Hello student, my name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about concept of multiplier. Multiplier का concept सबसे पहले 1930 में F.A. Khan ने दिया था. उन्होंने जो multiplier का concept दिया था उसको employment multiplier बोलते हैं. उसके बाद ये concept दिया था Keynes ने. Keynes के multiplier concept को हम बोलते हैं investment या income multiplier. अब ये investment या फिर income multiplier क्या होता है? Investment multiplier क्या बोलता है? जब investment में change लाया जाता है तो इनकम में भी चेंज आता है, और जो इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया जाता है ना उसके कंपैरेटिव जो इनकम में चेंज आता है वो कई गुना ज्यादा आता है. ठीक है, वो क्या कहता है, जब इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया जाता है तो इनकम में चेंज आता है, और जो इनकम में चेंज आता है वो इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिव कई गुना ज्यादा आता है. और वो कितने गुना ज्यादा आता है, दो गुना ज्यादा आ रहा है, तीन गुना ज्यादा आ रहा है, चार गुना ज्यादा. जो दो गुना चेंज की हम बात करें ये बेसिकली आपका मल्टीप्लायर है. अगर इन्वेस्टमेंट करने से इनकम में दो गुना चेंज आता है, जैसे मान लो आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके में इनकम में टोटल जो चेंज आ रहा है वो 200 करोड़ आ रहा है, तो आपकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है, दुगुना चेंज आ रहा है. जो ये दो गुना चेंज आ रहा है ना ये आपका मल्टीप्लायर. अगर आप इन्वेस्टमेंट 100 का करते हो, इनकम में 300 करोड़ का चेंज आता है तो तीन गुना चेंज आ रहा है, तो जो आपका तीन है वो आपका मल्टीप्लायर है. ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बात कर रहा है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इनकम में चेंज आता है, और इन्वेस्टमेंट के कंपैरेटिव इनकम में कई गुना ज्यादा चेंज आ रहा है, और जो इनकम में कितने गुना ज्यादा चेंज आ रहा है वो आपका क्या, इन्वेस्टमेंट है. ओके, तो इनकम में इतने गुना ज्यादा चेंज आता क्यों, क्या कारण है कि उतना चेंज क्यों नहीं आता जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया, कई गुना ज्यादा चेंज क्यों आता है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. मल्टीप्लायर बेसिकली क्या, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से जो आपकी इनकम में चेंज आता है. ठीक है, अब कई गुना ज्यादा क्यों चेंज आता है, ये क्या है, प्रोसेस है. जैसे मान लो इन्वेस्टमेंट में चेंज लाया, उसके कंपैरेटिव इनकम में चेंज आया, फिर कंजम्पशन में चेंज आया, फिर फर्दर इनकम में चेंज आया. ठीक है, जैसे हम एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, मैंने गवर्नमेंट का एग्जांपल लिया. गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया. गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया. इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे. ठीक है, वो लोग फ्री में तो काम नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट उनको पैसा देगी. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट लगाया, गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व होंगे गवर्नमेंट उनको पैसा देगी. जो उन लोगों को पैसा मिला वो उनकी क्या, इनकम है. गवर्नमेंट के इस इन्वेस्टमेंट से उन लोगों की इनकम में चेंज आया. ठीक है, गवर्नमेंट ने ये इन्वेस्टमेंट किया, इस प्रोजेक्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी इनकम में चेंज आया. वो उनकी इनकम में जो चेंज आया वो उस इनकम का क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, क्लोथ खरीदेंगे, फूड खरीदेंगे, अदर आइटम्स खरीदेंगे, कंज्यूम करेंगे ना. उनके पास पैसे है तो पैसे को क्या करेंगे, कंजम्पशन करेंगे. अब कंजम्पशन करने से जिन लोगों से वो सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, इन लोगों की इनकम बढ़ी. इन लोगों की इनकम बढ़ने से क्या है, कंजम्पशन में चेंज आया. जैसे मैंने कहा फूड आइटम्स खरीदेंगे, क्लोथिंग खरीदेंगे, शूज खरीदेंगे, तो इन लोगों की तो एक कंजम्पशन है, लेकिन जिन लोगों को ये पैसा दे रहे हैं उनकी इनकम में चेंज आया. ठीक है, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा. गवर्नमेंट ने ये 100 करोड़ का कॉन्सेप्ट करा, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे लोग चाहिए, गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया, उनकी इनकम में चेंज आया, उन्होंने आगे जाके कंजम्पशन को बढ़ा दिया. कंजम्पशन बढ़ाने से जिन लोगों से उन्होंने सामान खरीदा उनकी इनकम में चेंज आया. ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट के कारण देखो कितने लोगों की इनकम बढ़ रही है, कितने लोग फिर वो आगे, जैसे आगे प्रोसेस कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा, इनके इनकम में चेंज आया, ये आगे जाके कंजम्पशन करेंगे, फिर उन लोगों की इनकम बढ़ेगी, वो आगे जाके करेंगे. मींस इस इन्वेस्टमेंट के कारण कितने लोगों की इनकम में चेंज आया, तो यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में कई गुना ज्यादा चेंज आता है, और कितने गुना चेंज आता है वो आपका मल्टीप्लायर होता है. ठीक है, तो वो अब साइज ऑफ मल्टीप्लायर की बात करें तो वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मार्जिन एमपीसी पे, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या है, इनकम में चेंज आने से कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है. हमने यहाँ तो बात की थी कि इनकी इनकम बढ़ी, इन्होंने कंजम्पशन कर, इन्होंने सामान खरीदा, लेकिन इनकी इनकम बढ़ने से क्या उन्होंने सारी इनकम को खर्च कर दिया, उन्होंने कुछ पार्ट को सेव भी तो किया होगा. ठीक है, तो जो मल्टीप्लायर का साइज है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि एमपीसी कितनी है, मार्जिन प्रोस्पेंसिटी की प्रोसेस कितनी है. इन लोगों के पास जो इनकम बढ़ी और इनकम का उन्होंने कितना पार्ट सेव किया और कितना पार्ट खर्च किया. ठीक है, कितना पार्ट उन्होंने खर्च किया वो डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पे. अगर वो ज्यादा खर्च करते हैं, मीन ज्यादा खर्च करने का मतलब क्या है, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है तो मल्टीप्लायर का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा. अगर वो कम खर्च करते हैं, सेव ज्यादा करते हैं, तो इसका मतलब क्या, उनकी मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम क्या कम है, तो मल्टीप्लायर का साइज क्या होता है, कम हो जाएगा. इसे फर्दर हम एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं.
ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट, ये आपकी इनकम, ये आपकी कंजम्पशन और ये आपकी सेलिंग, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट में 100 करोड़ लगाए, अब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट में 100 करोड़ लगाए, गवर्नमेंट बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उनको गवर्नमेंट ने पेमेंट करी, मींस उनकी इनकम बढ़ गई 100 करोड़। अब उनकी इनकम 100 करोड़ बढ़ गई है, इसकी क्या करेंगे, वो कंजम्पशन करेंगे। यहाँ पे हम जो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम है वो 0.5 लेके चलते हैं, और मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम इसमें हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। वैसे तो वेरी करती है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर चेंज होती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम को कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम हम लेके चलते हैं 0.5, ओके। तो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, तो 100 करोड़ की इनकम की पेमेंट कर दी लोगों को, दे दिया किसी को रेंट के फॉर्म में, किसी को इंटरेस्ट के फॉर्म में पैसा दे दिया। अब मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कितनी है, 0.5, मींस 50% खर्च करेंगे, 50% सेव करेंगे। अब कंजम्पशन क्या है, 50%, बाकी 50% क्या सेव। सेविंग को तो आप अलग में रख लो, क्योंकि ये तो फ्लो में आया ही नहीं, ये तो खर्च हुआ ही नहीं, जब ये पैसा खर्च नहीं होता तो ये किसी की इनकम नहीं बढ़ी, इसलिए सेविंग को आप साइड में रख लो। हम लेंगे ये कंजम्पशन, जो जितना उन्होंने कंज्यूम किया वो ही तो अगर आगे दूसरे लोगों की इनकम बढ़ेगी ना, तो इस 50 को हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है। क्योंकि हम मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम को 0.5 लेके चल रहे हैं, तो इस 50 में 20 खर्च हो गया, 20 सेव हो गया, फिर इस 50 में से आधा खर्च हो गया, आधा सेव हो गया, ठीक है। फिर इस 12.5 में से आधा खर्च हो गया, आधा सेव हो गया, ठीक है। हम इसी कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे, जैसे पहले ये यहाँ पे चेंज इन इनकम 50, चेंज इन कंजम्पशन 25, ठीक है, क्योंकि मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम कितनी लेके चल रहे 0.5। अब ये 25 फिर मार्केट में आ जाएगा, इस 25 में से आधा खर्च हो जाएगा, आधा सेव हो जाएगा, ठीक है। अब ये 12.5 फिर मार्केट में आ जाएगा, इसमें आधा खर्च हो जाएगा और आधा सेव हो जाएगा, ठीक है। ये फर्दर कॉन्सेप्ट चलता रहेगा, ठीक है। मान लीजिए हम ये मान के चलते हैं इनकम में टोटल चेंज कितना आ गया, 200 का आ गया, ठीक है। हम क्या मान के चल रहे हैं, जो इनकम में चेंज आया वो 200 का है। हमारे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनकम में कितना चेंज आया 200, इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया 100, उसके कंपेरेटिव इनकम में कितना चेंज आया 200, तो आपका मल्टीप्लायर क्या हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा मल्टीप्लायर क्या 2, ठीक है। अगर मान लो ये तो इन्वेस्टमेंट की कंपेरेटिव इनकम में 2 गुना चेंज आया, अगर मान लो यही 3 गुना चेंज आता तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता 3, अगर यही 4 गुना चेंज आता तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होता 4। ये डिपेंड करता है एमपीसी पे, मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम पे। यहाँ पे मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 थी, 50% थी, यही मान लो मार्जिनल प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती तो मल्टीप्लायर का साइज भी क्या ज्यादा होता, ठीक है। इसे हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं, ये भी फर्दर कैलकुलेशन होगी, लेकिन हमने यहीं पे खत्म कर दिया और टोटल हमने मान के चल दिया कि इनकम क्या है 200, ओके। तो यहाँ पे हम लेंगे आपकी नेशनल इनकम और यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। ये आपका वाई क्या, आपका इनकम कर्व है, और ये आपकी एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड में किसके बराबर होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट इन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं, अब जब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है तो आपके एग्रीगेट डिमांड में क्या इन्वॉल्व होगा, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, जो आप 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट में चेंज लाए, ठीक है। ये क्या होगा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इस इन्वेस्टमेंट के कारण पहले इनकम क्या थी, OY थी, अब क्या होगी, OY1 होगी, तो ये क्या आ गया, चेंज इन इनकम। ये वाला क्या है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और इस इन्वेस्टमेंट के कारण जो इनकम में चेंज आया वो इतना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, बेसिकली क्या मीनिंग, तो एटलीस्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा।